दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री का 16 चैप्टर यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो, उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है, ये तो आप पहले 9th, 10th या 11th में पढ़ चुके होंगे। उपसहसंयोजक यौगिक मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे लेकिन सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ना ले, वो आपका क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक यौगिक। एक होता है सहसंयोजक, एक होता है उपसहसंयोजक। सहसंयोजक जिसमें बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो वो आपका क्या कहलाता है, सहसंयोजक। उपसहसंयोजक जिसमें एक तो अपना इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन दूसरे से वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ठीक है। मतलब जैसे हम किसी को पैसा दे दें लेकिन उससे पाने की उम्मीद न रखें, वो वहां पे जो बंध बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, उपसहसंयोजक बंध। अब इस चैप्टर में देखो, पहला टॉपिक है आणविक यौगिक, या उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक। अब देखो, आणविक यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक यौगिक या लवण, लवण के क्रिस्टल ओ लवण आपस में एक अनुपात में जुड़कर एक क्रिस्टल यौगिक का निर्माण करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, आणविक या योगात्मक यौगिक। या वैसे सरल भाषा में हम समझें तो योगात्मक यौगिक मतलब जहाँ पे दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में जुड़कर एक क्रिस्टली कंपाउंड का निर्माण करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, योगात्मक यौगिक। अब जैसे हम इसके देखो, सबसे पहले क्या है आपका, योगात्मक यौगिक, ठीक है, योगात्मक यौगिक। इसको क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड क्या बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक यौगिक या सॉल्ट एक अनुपात में जुड़कर एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, योगात्मक यौगिक। जैसे हम फिटकरी के एग्जांपल से समझते हैं, फिटकरी सूत्र क्या हो गया उसका, K2SO4, एक ये सॉल्ट हो गया, प्लस और क्या मिलेगा, SO4 का होल थ्राइस, प्लस और क्या मिलेगा, पानी, कितना, 24H2O, ठीक है। तो ये तीनों आपस में मिलकर, तीनों लवण आपस, और ये लवण आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, संपूर्ण फिटकरी का। तो ये आपको बन जाएगा K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। मतलब ये सॉल्ट आपस में मिलकर एक संपूर्ण क्रिस्टलीय यौगिक का निर्माण कर देते हैं। अब देखो, ये जो योगात्मक यौगिक है ये दो प्रकार का होता है, योगात्मक यौगिक दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, द्विक लवण, ध्यान रखना ये डिफिनेशन पूछी जाती है, द्विक लवण, या जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट, ठीक है। वे लवण जो किसी भी जली विलयन में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं, मतलब जैसे ये फिटकरी है, ठीक है, तो जब इसको हम पानी में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगी, ठीक है, और टूट जाएगी तो फिर फिटकरी थोड़ी भी कहलाएगी, अपनी पहचान खो देगी। जैसे आपका ये सल्फेट अलग हो गया, एल्युमिनियम अलग हो गया, पानी अलग हो गया, ठीक है, तो अगर ये अलग अलग हो गए तो हम इसको फिटकरी थोड़ी ना बोलेंगे, ये सारा मिल रहा है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फिटकरी, ठीक है। तो जब कोई भी कंपाउंड या योगात्मक यौगिक जली विलयन में घुलकर अपनी पहचान खो दे, अपने आयनों में डिवाइड हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है, द्विक लवण, ठीक है। तो जैसे आपकी ये होगी फिटकरी, को ही ले लेते हैं हम, K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस 0.24H2O, जब ये किनारे में टूट जाए, जैसे ही टूट गया किसमें, के प्लस में, और सल्फेट किसमें टूट गया, SO4 2- में, और आपका ये एल्युमिनियम किसमें टूट गया,
एयर थ्री प्लस में, ठीक है। तो ये इसमें अलग अलग आयनों में टूट गया और इसको क्या बोलेंगे अब हम, द्वित लवण, क्या कहलाएगा ये, द्वित लवण, ठीक है। अब दूसरा आपका है, ये आपका द्वित लवण हो गया और दूसरा इसका टाइप है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, दूसरा इसका टाइप है संकुल यौगिक, यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक मतलब वो कंपाउंड जो जलीय विलयन में अपने आयनों में नहीं टूटते, अपनी पहचान पूरी तरह से वो नहीं खोते, वो आपके क्या कहलाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक, या इसी को हम क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक, ठीक है। जैसे हम बात करें मतलब वे आयन, डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देते हैं वे यौगिक, वे यौगिक जो जली विलयन में अपने आयनों में नहीं टूटते, क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक, उपसहसंयोजक। ठीक है, अब जैसे देखो ये हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये है इसका सूत्र, पोटेशियम फेरो FeCN6, ठीक है। अब ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है ये आपका K+ Fe2+ CN- इन आयनों में नहीं टूटेगा, ठीक है। ये किसी भी विलयन में घुलकर इन आयनों में नहीं टूटता और अपनी पहचान नहीं खोता, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक। ये टूटता भी है तो किसमें टूटेगा, सरल आयनों में टूट जाएगा, जैसे यहाँ भी ये टूटा तो किसमें टूट जाएगा, ये K+, और ये अगर टूटा तो किसमें टूट जाएगा, Fe CN6 और माइनस, ठीक है। इस तरह से प्लस माइनस में दो भागों में टूट सकता है, लेकिन ये प्रत्येक आयन अलग अलग नहीं होगा, ये पूरी तरह से अपनी पहचान नहीं खोएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर होगी। देखो योगात्मक यौगिक, जब दो या दो से अधिक लवण या यौगिक आपस में जोड़कर एक क्रिस्टली संरचना बनाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, योगात्मक यौगिक। ये दो प्रकार का होता है, पहला है आपका द्विक लवण, द्विक लवण वे लवण जो अपने विलयनों में पूरी तरह से टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्विक लवण। उपसहसंयोजक या ये संकुल यौगिक क्या कहलाते हैं, वे यौगिक जो किसी भी विलयन में पूरी तरह से नहीं घुलते, अपने आयनों में नहीं टूटते, वो आपके क्या कहलाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और थंबनेल देना जरूर भूलें।